गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज छठ महापर्व है, तो बस उसी की तैयारियां चल रही है। तो ये है संध्या अर्घ का दिन, और उस दिन हमारे घर में जो भगवान जी पे मेन प्रसाद चढ़ाया जाता है, जैसे कि ठेकुआ, फिर से चावल के आटा का लड्डू, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। थोड़ा सा मैं कुछ झलकियाँ दिखा रही हूँ, जो मेरी छोटी भाभी के घर पे सारे महाप्रसाद बनाए जा रहे थे छठ पूजा के, तो बस वही कुछ झलकियाँ मैंने आपको दिखाया है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेने आ गई हूँ, कुछ श्रृंगार के सामान लेने आ गई हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है कि मैं 5 रंग के फ्रूट्स चढ़ाती हूँ, हर छठ में एक सूप दान करती हूँ, एक सूप चढ़ाती हूँ, तो बस वही सारी चीज़ें लेने आई हूँ। और आप लोग देख सकते हो कितना भीड़ है मार्केट में, चारों तरफ चहल पहल है, हर जगह फल ही फल बिक रहे हैं, और तरह तरह के फल। ऐसा कौन सा फल है जो आपको यहाँ पे ना दिखे, ये आप लोग देख सकते हो। तो बस मैं भी यहाँ से फल लूँगी, फ्रूट्स लूँगी। आज है छठ का संध्या अर्ध, तो छठ का आज संध्या अर्ध है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, उसी के पास रहूँगी संध्या अर्ध में। और यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट्स वगैरह वॉश करके सजा लिए हैं, बस मुझे लेके जाना है। जैसा मैंने पिछले साल भी आप लोगों को बताया था कि हर साल ना मैं फ्रूट्स चढ़ाती हूँ 5 तरह के, सो मैंने ले लिया है। तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं, मैं रेडी हो गई हूँ, माही भी रेडी हो गई है, बस माही के पापा रेडी हो रहे हैं और निकलने का तैयारी हो रहा है। और ये जो साड़ी मैंने पहना है ना, ये साड़ी लगता है आई थिंक 3 या 4 3 ईयर्स हो गया है, 3 साल पहले वाले तीज पे ये साड़ी मैंने पहनी थी, और आप लोगों ने भी शायद ये देखा होगा। तो चलिए अभी निकलने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। फुल हो के जाएंगे ना, जैसे कि जाम लोग फंसे हैं ना। छठी मैया दिल गई बेटा के प्यार, मैया हो गए जय काली माँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, और अभी पूजा का सब सारा तैयारी चल रहा है, और मेरी फ्रेंड हमेशा की तरह रेडी हो रही है। पिछले साल भी मैं आई थी तो वो रेडी ही हो रही थी, इस बार भी वो रेडी ही हो गई। और माही ने और माही के पापा ने सर पे रख किया पिंक पिंक, और ये रही तो राइटिंग बहुत खतरनाक। हाँ, नहीं ना लेट हुआ बेटा, आज मैं जल्दी आ गई ना, आज मासी जल्दी आ गई ना, और आज मेरी बेबी डॉल टॉय लग रही, टॉय वाला ड्रेस है, और हेयर क्लिप तुम्हारा कितना प्यारा लग रहा है, वाह सो क्यूट सो क्यूट।
किसी नहीं है किसी किसी जी हाँ वही लगता नीता फोन करवाई होगी। मीनू अब नीतू बोली मीनू बोली देखो तुम भुला गई हम नहीं, भुला गए हाँ? अब नामों में तुम क्या चाहिए मेरी सबसे क्यूट बुआ थी सबसे क्यूट गाइस तो फाइनली मेरी दोस्त भी आ गई है रेडी होके और ये आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है एकदम पिंक पिंक बहुत ही ज़्यादा प्यारी और मैं रेड रेड पूजा भी स्टार्ट हो गया है अच्छा समझ गया सो गाइस तो कुछ ही देर में अभी संध्या अर्घ्य होने वाला है और आप लोग देख सकते हो पर्वतनी लोग जो है ना पानी में आ चुकी हैं तो बस अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अर्घ्य देने का टाइम हो गया है संध्या अर्घ्य तो अभी पर्वतिन को सिंदूर वगैरह लगाया जाएगा खोइचा जिसमें दिया जाता है वहाँ पे सिंदूर लगाते हैं माथे पे सिंदूर लगाते हैं हर जगह 5-5 बार या फिर 7-7 बार लगाया जाता है। सिंदूर लगाने के बाद उसके ऊपर सूप रखी जाती है जितने भी सूप रखे रहते हैं उन सबको अर्घ्य देना पड़ता है और उसके बाद जितने भी लोग होते हैं वो लोग जब भी जब पर्वतिन परिक्रमा करती है सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए
तो सारे लोग मिलके जल अर्पित करते हैं सूर्य भगवान को, पर्वतीन को। तो बस इसी तरीके से पूजा होती है छठ पूजा। जितना मुझे पता था मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर कोई कुछ गलत बताया तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे लोग ना परिक्रमा करते हुए पर्वतीन को जल अर्पित कर रहे हैं। तो इसी तरीके से छठ पूजा की जाती है। तो यहाँ पे बस हम सारे लोग इकट्ठा होके जल अर्पित कर रहे थे। तो यहाँ पे अब बारी है मेरे वाले अर्घ देने की, जो मैं लेके गई थी, जो बर्तन मैं लेके गई थी उसकी बारी है। तो यहाँ पे उसको भी अर्घ दिया जाएगा और यहाँ पे फिर से सिंदूर लगाया जा रहा है। जब जब हमें अर्घ देना होता है तब तब हमें सिंदूर लगाते हैं पर्वतीन को, और उसके ऊपर दिया रखी जाती है। तो बस इसी तरीके से छठ पूजा का अर्घ दिया जा रहा है। फाइनली अर्ध हो गया, संध्या अर्ध कंप्लीट हो चुका है। तो रील्स बना रही थी ना, चार पांच रील्स बना रही थी ना अभी, तो बोले कि मुड़ते हुए आएंगे, कोई काम बना रही। अच्छा, व्हाट्स योर चाय पीने के बाद। अभी सब लोग चाय पियेंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने बड़े क्या कहते हैं नीता इसको, डेक्ची टोपिया, हाँ टोपिया भी बोलते हैं, डेक्ची भगोना। हाँ, तो आप लोग देख सकते हो कितने बड़े भगोने में चाय बनाया जा रहा है। बिग फैमिली के लिए बिग बर्तन। पापा सो गए। तो अभी हम लोग आ गए हैं रूम में, एकदम सेपरेट रूम में आ गए हैं। और अभी मैं पीने वाली हूँ कोल्ड ड्रिंक और चलेगा अभी समोसा पार्टी। तो नीचे भीड़ बहुत ज़्यादा था, मैं भी थोड़ी रेस्ट करने के लिए ऊपर। और आप लोग जानते हैं ना हम लोग इंट्रोवर्ट्स हैं। यस, भीड़ में ज़्यादा रहना हमें पसंद नहीं है, जितना ज़्यादा सेपरेट हो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग समोसा पार्टी करने वाले हैं, कुछ ही देर में समोसा आने वाला है। तो नहीं आएगा कुछ देर में तो मैं लेने चलूँ, माँ ही जाके लाएगी है ना। ओहो, तुम भी खा रही ना बेटा, नीचे खा तुम भी खा। नहीं, हम तीनों साथ में खाते हैं क्या। तो यहाँ समोसा भी आ गया है, और समोसा कौन ले गया है, कीशु। तो अभी हम लोग करने वाले हैं समोसा पार्टी। क्यों बोली पागल, क्यों बोली तू, और वो तुम्हें पहले बोला। अच्छा, वो बोलते ओहो, कीशु बोला तुम नहीं सुने।
फाइनली अभी मैं आ गई हूँ घर और हो गया शाम का संध्या अर्ध हो गया। आप लोगों ने देखा भी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मेरी फ्रेंड की जितनी भी गोतनियाँ थी भाभियाँ थी सारे लोग आई हुई थी, तो इस बार ना बहुत अच्छा लगा। जितना ज़्यादा भीड़ होता है ना पूजा में त्यौहार में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, और भाभी लोगों का मस्ती वगैरह ये सब देख के ना और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मैं पहली बार मिली थी, एक जो है उससे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन बाकी जो थी ना उनसे मैं पहली बार आज मिली थी। तो फिर भी अच्छा खासा दोस्ती हो गया है मेरा और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, सारी भाभियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ भोरिया अर्ध के साथ, तब तक के लिए हैप्पी छठ पूजा।